हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि हम कैसे एक सेंट्रोस्फेयर क्यूब को बना सकते हैं। इसे हम एक्सट्रैक्ट लूप क्यूब भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बिल्कुल 3x3 की तरह हम इस क्यूब को बनाने वाले हैं। बहुत ईजी क्यूब है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। दोस्तों देखिए, क्यूब सफल होने के बाद कुछ ऐसा सा लगता है। ये देखिए, इसको कितना भी घुमा लीजिए इतना ये सफल होता ही है, क्योंकि इसके कई बार मिल जाते हैं सेंटर्स। तो देखिए, सबसे पहले टास्क हमें क्या करना है इस क्यूब के साथ। अगर आप एडवांस क्रॉस बनाना चाहते हैं इस सेंट्रोस्फीयर में तो बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल मेथड सिखाऊंगा। सीफोप में बाद में सिखाऊंगा इस क्यूब का, पहले नॉर्मल मेथड पे चलते हैं। नॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, लेयर मेथड कहते हैं जिसे हम बिगनर मेथड। उस मेथड में हम इस सारे व्हाइट एज पीसीस को यहाँ पर लाते हैं। तो लाते हैं, ये एक आ गया। अब दूसरे पीस को लाते हैं, दूसरा पीस देखते हैं कहाँ पर है हमारा, ये रहा। इसको सिंपली ये डिस्टर्ब मत कीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। सिंपली इसको एक बार रोटेट करते हैं लेयर को, इसको ऊपर ले आते हैं, आ गया ऊपर। अब देखिए, ये पीस भी हमें यहीं पर मिल गया। तो अब इसको कैसे लाएंगे हम, इसको लाने के लिए देखिए दोस्तों, क्यूब को ऐसे होल्ड कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक केस आ जाता है, यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर लाना है इस पीस को। अगर मैं इस पीस को यहाँ लाऊंगा तो वो चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, इस पीस को यहाँ पर लाइए, अपनी अपर लेयर को एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए और फिर आर प्राइम कर दीजिए। रुकिए, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसी थी क्यूब की कंडीशन। इसको ऊपर लाइए, इसको एक बार उधर कर दीजिए एंड देन वापिस ले आइए, रीजॉइन कर दीजिए। अब देखते हैं अगले पीस कहाँ पर हमारा, ये रहा। अब देखिए, इस पीस को कैसे करेंगे, सिंपली इसको एक बार रोटेट कर दीजिए कि ब्लैंक स्पॉट आ जाए यहाँ पर, और इंसर्ट कर दीजिए। अब इंसर्ट करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ के एच पीसीस को मैच कीजिए। ब्लू रेड से मैच नहीं हो रहा, पहले रेड का ही कर लेते हैं। रेड मैच हो गया, हो गया। तो अब देखिए, अब क्या करना है, क्यूब को नॉर्मली ऐसे पकड़िए और दो बार ये जो हमारी फ्रंट लेयर है ना, इसको ऐसे होल्ड कर लीजिए। आसान रहता है इसको रोटेट करना इस तरीके से, ऐसे होल्ड करके एक बार दो बार। आ गया पीस नीचे, मैच हो गया। अब यहाँ ग्रीन का देखते हैं। अब देखिए, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बारी में आ गया मेरे, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कई बार बहुत बार घुमाना पड़ता है तो पीस मैच होते हैं। अब ये मैच हो गया, क्यूब को ऐसे पकड़िए एक बार दो बार। अब ऑरेंज का देखते हैं, नहीं आया। ये ब्लू के साथ है, नहीं आया। व्हाइट के साथ आ गया। अब क्यूब को ऐसे पकड़िए एक बार और दो बार। अब देखिए, ब्लू का रह गया, सिंपली इसको मैच कीजिए, यहाँ पर पकड़िए एक बार और दो बार। अब देखिए, हमने क्रॉस कंप्लीट कर लिए। इन पीसेस को निकाल देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो आपको भी। कॉर्नर पीसेस को भी मैं निकाल रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कॉर्नर पीस को हम बाद में ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, आपको कुछ ऐसा क्रॉस मिल जाएगा, बहुत आसानी से बन जाता है क्रॉस। अब देखते हैं कॉर्नर पीस, अब कॉर्नर पीस को कैसे ज्वाइन करते हैं। अब देखिए, व्हाइट रेड एंड ग्रीन का पीस है, यहाँ पर ये पीस नहीं है, यहाँ पर व्हाइट ग्रीन एंड ऑरेंज है, यहाँ रेड नहीं है, रेड यहाँ पर है, ग्रीन भी यहाँ पर है, व्हाइट भी यहाँ पर है। तो इसको एक बार ऐसे रोटेट कीजिए ये, ताकि आपके लेफ्ट साइड में आ जाए। इसको नॉर्मली ऊपर ऊपर कीजिए, यहाँ पर मैच कीजिए, वापस डाउन कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपका ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मैच हो गया प्रॉपरली। अब देखिए, व्हाइट ऑरेंज एंड ब्लू का पीस, अब देखिए ये यहाँ पर है व्हाइट ऑरेंज एंड ब्लू। अब ये पीस हमें ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर मिल गया। इस लेयर को ऊपर कीजिए, इसको मैच कीजिए, इसको डाउन कर दीजिए। अब देखिए ये पीस रेड ब्लू एंड व्हाइट, अब देखिए व्हाइट रेड एंड ब्लू यहाँ पर है। इसको एक बार ऐसे रोटेट करते हैं। अब देखिए, ये एक केस है, ये हमें लेफ्ट में मिल रहा था, अभी हमें फ्रंट में मिल रहा है। इसको सबसे पहले हम अपने राइट में भेज देते हैं, एक बार ऊपर करते हैं इस लेयर को मैच करते हैं और वापस नीचे ले आइए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने तीन कलर सॉल्व कर लिया, एक ही बचा है। अब ये अगर आपको यहाँ पर ऐसे मिलते हैं तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, एक बार इस लेयर को कर दीजिए आर यू और फिर आर प्राइम। अब देखिए,
अब ये यहाँ पर आ गया, अभी आपके इस साइड राइट फ्रंट में आ रहा है, पहले लेफ्ट फ्रंट में आते तो यहाँ लेके गए थे, राइट फ्रंट में आ रहा है तो लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। अब लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, ले गए, अब ये लेफ्ट में आ गया, इस लेयर को ऊपर करते हैं, मैच कर दीजिए। दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया अपने सेंट्रोस्फीयर या एक्सट्रैक्ट लुक क्यूब की फर्स्ट लेयर। अब फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर इस लेयर में एच पीसीज ढूंढेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, ग्रीन एंड ऑरेंज से ही शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू एंड येलो है, यहाँ पर है ग्रीन एंड येलो, यहाँ पर है ब्लू एंड रेड। मैंने पहले ग्रीन एंड येलो करते हैं, यहाँ पर आ गया ग्रीन एंड ऑरेंज। अब देखिए करना क्या है, अगर आपको पीस ऑरेंज से मैच होता हुआ मिले तो लेफ्ट साइड में ग्रीन ही होगा। अब देखिए क्या करना है, एल्गोरिथम है ये, यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू प्राइम। अब एक बार अपनी साइड ऐसे बदल लीजिए, साइड बदली एक्स एक्सिस पे, फिर आर यू एंड देन आर प्राइम। अब आप देखेंगे ये पीस मैच हो गया है बहुत इसी तरीके से। अब आपको एक केस ऐसा मिलेगा कि आपको ग्रीन यहाँ मिल जाएगा, ग्रीन यहाँ मिल जाएगा, तो आप वो एल्गोरिथम में मैं आगे बताऊंगा जब वो केस मेरे को मिलेगा। अब देखिए मिल गया वो केस, अब देखिए ये यहाँ पर है पीस, अब क्या करना है, देखिए यू आर यू आर प्राइम यू प्राइम, साइड बदल लीजिए एल प्राइम यू प्राइम एंड देन एल। अब आप देखेंगे ये पीस मैच हो गया। अब मैं आपको एक और केस बताता हूँ, ये देखिए अब आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि ये देखिए यहाँ पर ग्रीन एंड रेड यहाँ पर फंसे होंगे, इस पीस को बाहर कैसे लाए, उन दोनों एल्गोरिथम्स में से किसी एक एल्गोरिथम को लगा दीजिए। ये वाला लगा देता हूँ मैं, यू प्राइम एल प्राइम यू एल, फिर यू साइड बदल के, ये क्यूब की रोटेशन थोड़ी खराब होती है, ये देखिए बाहर आ गया होगा वो पीस, देखते हैं कहाँ गया, ये रहा। अब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, अब इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं, यू प्राइम एल एल प्राइम यू एल यू, और फिर साइड बदल लिया मैंने, यहाँ पर आर को ऊपर कीजिए, फिर यू देन आर प्राइम, कंप्लीट हो गया, एक रह गया। अब देखिए ये मैच ही मिल गया ऑलरेडी, फिर वही एल्गोरिथम यू प्राइम एल प्राइम यू एल यू, साइड बदल लीजिए आर। अब आप देखिए सबसे पहला केस आपको यही मिलेगा, ये सारी सेकंड लेयर कंप्लीट करने के बाद क्रॉस बनाना है, आपको यहाँ पर एक एल मिलेगा। इनको ध्यान मत दीजिए, कॉर्नर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये आपको ऐसे एक वो मिलेगी। इस केस में क्या करना है, जहां पर आपको येलो एस दिखे अपने क्यूब को वहां से पकड़ लीजिए, यहाँ पर है यहाँ पर है, लेकिन एल को हमेशा हम ऐसे पकड़ते हैं कि एल हमें उल्टा दिखे, सीधा एल ऐसे होता है, सीधा एल कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन हमें उल्टा एल पकड़ना है, सीधा एल ऐसे होता है उल्टा ऐसे, तो हमें उल्टे एल की तरफ से पकड़ना है। मैं सारे केसेस बताऊंगा जो हमें टॉप लेयर में मिल सकते हैं। देखिए मैंने उल्टा एल पकड़ लिया है, अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले एफ को एक बार क्लॉकवाइज टर्न कीजिए, क्लॉकवाइज कर दिया, फिर आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड देन एफ प्राइम, और आप देखेंगे आपके क्यूब में क्रॉस बन चुका है। अब मैं आपको अगला केस बताता हूँ जो आपको मिल सकता है क्रॉस बनाते वक्त। देखिए दोस्तों एक केस आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, इस लाइन को ऐसे होल्ड कीजिए कि आपके ये ओपोजिट फेस करे, यानी कि ये दोनों पीस इसके ओपोजिट फेस करे, ऐसे हमारी तरफ फेस ना करे, इसको ऐसे ही रखना है, और फिर से वही एल्गोरिथम, इस बार एक बार लगाएंगे हम,
एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एंड देन एफ प्राइम। अब आप सभी देख सकते हैं कि हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया है। अब एक और केस मिलता है लेकिन वो भी बहुत इजी होता है, उसमें भी आपको एक एल ही मिलता है, एफ आर यू आर प्राइम यू दो बार लगा दीजिए, एफ प्राइम कर दीजिए, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस बनाने के बाद सबसे पहला हमारा काम है कि एजिस को मिला के देख लीजिए कौन से एज मैच हो रहे हैं और कौन से नहीं। अब देखिए दो एजिस आपको मैच होते हुए हमेशा मिल ही जाएंगे ज्यादातर केसेस में, लेकिन कई बार आपको ऐसे ओपोजिट मैच होते हुए मिलते हैं, वो केस भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसी केस पर वर्क करते हैं। ये देखिए ये अब साइड में मैच हो रहे हैं, ये केस बहुत ईजी है। इस केस पे हमने क्यूब को ऐसे होल्ड कीजिए कि ये दोनों एक सोल्ड आपके राइट में आए और एक आपके बैक में आए, और फिर ये एल्गोरिथम लगा दीजिए आर यू आर प्राइम यू आर यू टू एंड देन आर प्राइम। अब आप एक बार इस लेयर को रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सारे सेंटर्स मैच हो जाएंगे। और अब मैं आपको वो केस बताता हूँ जो ओपोजिट ओपोजिट मिल रहे होते हैं सिर्फ। अब देखिए दोस्तों वो केस कुछ इस तरीके का, एक यहाँ से मैच हो रहा होगा एक यहाँ से, ये दोनों ओपोजिट में आ रहे होंगे। इस केस में हमने क्यूब को ऐसे पकड़िए कि ये दोनों ओपोजिट मैच करते हो एक दूसरे के आमने सामने आए, हमारे ऐसे फ्रंट पे ना रहे, हमारे लेफ्ट और राइट में रहे। फिर वही एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू आर यू टू और फिर आर प्राइम। अब देखिए आपको वो साइड वाइज केस मिल जाएगा, यहाँ साइड में आगे राइट में रखिए और एक को अपने बैक में रखिए आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम, फिर से वही एल्गोरिथम सारे मैच हो जाएंगे। अब देखिए अब हमारे एच पीस मैच हो गए हैं तो हमारा आधा क्यूब का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस एक ही स्टेप दो स्टेप बचे अब यहाँ से। अब सबसे पहले तो देखिए दोस्तों हम क्या ही करें, हम करेंगे कि कॉर्नर्स को देखते हैं कौन से मैच है, ये मैच नहीं है, यहाँ ब्लू आ रहा है यहाँ ब्लू नहीं है, यहाँ पर ग्रीन आ रहा है यहाँ ग्रीन नहीं है, यहाँ पर आ रहा है ग्रीन यहाँ पर वो नहीं है, कोई भी कॉर्नर मैच नहीं है। आपको एक मैच मिल सकता है लेकिन अभी के लिए मेरे को एक भी नहीं मिला, तो क्यूब को कैसे भी पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लेते हैं, चलिए ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। फिर वही एल्गोरिथम एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। अब आप देखेंगे आपको एक कॉर्नर तो मैच मिल ही चुका होगा, ये देखिए मिल गया मैच, आपके साथ वो वाला केस आ गया जब आपको एक कॉर्नर मैच मिलता है उसको अपने इसी साइड होल्ड कीजिए कि आपके ये फ्रंट राइट में फेस करे, राइट फ्रंट में फेस करे, और फिर वही एल्गोरिथम एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू एंड देन आर प्राइम। अब आप देखेंगे अभी भी मैच नहीं हो रहे, दोबारा लगा दीजिए एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल प्राइम एल यू आर प्राइम, सारे हो जाएंगे अब मैच लगभग लगभग। अब देखिए ये दोनों हो गए, ये दोनों भी हो गए ब्लू रेड येलो ब्लू रेड येलो, ये भी हो गया ग्रीन ग्रीन रेड एंड येलो ग्रीन रेड एंड येलो, हो गए सारे मैच। अब क्या करना है, अब देखिए दो मैच है मेरे आपके साथ, हो सकता है आपके कॉर्नर सारे मैच हो गए लेकिन आपके ये दोनों गलत पोजीशन में हो, तो इन पीसेस को सही पोजीशन में डालने के लिए ये एल्गोरिथम लगा दीजिए। अब देखिए फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके चार अनसोल्व है तो चारों के लिए यही एल्गोरिथम लगेगा। अब देखिए किसी अनसोल्ड को अपने फ्रंट में होल्ड कीजिए आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी।
अब आप कह रहे होंगे भाई हमारे तो सारा क्यूब खराब हो गया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, एक और एल्गोरिथम लगाएंगे तो पूरा क्यूब बन जाएगा। अब देखिए ये दूसरा अनसॉल्व पीस है, इसको भी अपने इस साइड लाइए। अब देखिए वो पीस, अब आप कहेंगे वो पीस तो यहाँ वो कर रहा था, अगर वो पीस यहाँ पर वो करता है तो हमें चार बार लगाना पड़ता है, अगर ये पीस यहाँ पर फेस करता है तो हमें दो बारी में बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ले आता हूँ आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप सभी ने कंप्लीट कर लिया अपना सेंट्रो स्पेयर क्यूब। अगर आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे।